ग्वालियर पुलिस ने स्मैक ले जाते हुए एक युवक को पकड़ लिया है जिसके पास से 700 ग्राम स्मैक मिली है जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 लाख रुपए है। पुलिस ने स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ संबंधी अभियान चलाया गया है। इस तारतम्य में श्रीमान एसपी महोदय क्राइम द्वारा हमें बताया गया कि अवैध मादक पदार्थों की जो खरीद फरोख हो रही है उसमें कार्रवाई करना है। इस संबंध में आज मुखबिरदार सूचना मिली कि एक डीडी मॉल के पास एक व्यक्ति यूपी से आया हुआ है और उसके बैग में स्मैक जैसी चीज़ रखे हुए हैं और यहाँ बिक्री करने वाला है। इस संबंध में हम लोग टीम लेके गए, टीम लगे घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके बैग से जो टूब टांगे हुए था उस बैग में 700 ग्राम स्मैक मिली जिसकी कीमत करीबन 70 लाख रुपये है। ये व्यक्ति यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इस संबंध में हम पता कर रहे हैं कि इसके पहले कभी इसके अपराध रिकॉर्ड रहा है। इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं कि ये यहाँ किस लिए आया था, किसको बेचने वाला था और इसकी ये भी पता लगा रहे हैं इसका स्रोत कहाँ से लेके आता था। ये इस संबंध में पता लगा रहे हैं।